हरे कृष्णा। आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिर में भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं, उस अगरबत्ती की खुशबू अगर हमारे नाक तक चली गई, अगर हमने उस गंध को सूंघ लिया, तो उससे क्या होता है? भगवान के जो फ्लावर्स होते हैं, जो भगवान के जो डिटीज को जो हम देते हैं, ऑफर करते हैं, उनको पहनाते हैं, उसको अगर हमने सूंघ लिया, आपने देखा होगा अक्सर डिवोटीज जो फ्लावर ऑफर करते हैं वो आके आपको सुहाते हैं। क्यों सुहाते हैं, उसका क्या फायदा है, जानते हैं इस वीडियो में। साधु संग साधु संग सर्व शस्त्र काय लोभ मत साधु संग सर्व सिद्धि हाय। हरि भक्ति सुधोदय में बताया गया है, व्हेन द डिवोटीज स्मेल द गुड फ्लेवर ऑफ द इंसेंस व्हिच इज ऑफर्ड टू द डीटी दे दस बिकम क्योर्ड ऑफ द पॉइजनस इफेक्ट्स ऑफ मटेरियल कॉन्टामिनेशन। As much as one becomes cured of a snake bite by smelling the prescribed medicinal herbs. मतलब कि जब किसी व्यक्ति को सर्प डस लेता है, काट लेता है, तो एक औषधि होती है जो पहाड़ों में पाई जाती है, तो वो विशेष प्रकार की औषधि है, उसको पहचान पाना मुश्किल है। मतलब बहुत सारे हजारों लाखों वहाँ पे छोटे छोटे पौधे वृक्ष होते हैं, उनमें से कोई एक औषधि होती है जिसको अगर उस व्यक्ति को सुंघा दिया जाए जिसको सांप ने काटा है, तो व्यक्ति तुरंत ठीक हो जाता है, मतलब सर्प के विष से मुक्त हो जाता है तत्काल। ठीक वैसा ही प्रभाव करता है वो अगरबत्ती का गंध जो आप मंदिर में जाते हैं तो सूंघते हैं, और नहीं भी सूंघते हैं तो अगर मंदिर गए अनायास ही आपके नाक में तो आ ही गया ना, वो आपने सूंघ ही लिया, उसको सूंघने से मटेरियल जो कॉन्टामिनेशन जो भौतिक गंदगी है हमारे अंदर बसी हुई लेयर पे लेयर लगी हुई है, वो नष्ट हो जाती है केवल उस अगरबत्ती के स्मेल को सूंघने से। तंत्र शास्त्र में बताया गया है, इफ द स्मेल ऑफ द गार्लैंड व्हिच वाज ऑफर्ड टू द डीटी इन द टेंपल एंटर्स इनटू अ पर्सन्स नॉस्ट्रिल्स इमीडिएटली हिज बॉन्डेज टू सिनफुल एक्टिविटीज बिकम्स क्लियर्ड। वाओ, मतलब जैसे ही उस फूल उस पुष्प को जो भगवान को अर्पित किया गया है वो हमारे नाक के छिद्र में जाता है, हम सूंघते हैं उसको, हमारे सारे पाप फल कट जाते हैं, समस्त पाप कर्म के फलों से हम मुक्त हो जाते हैं, इतना पावरफुल है। और अगस्त संहिता में बताया गया है, जस्ट टू प्यूरिफाई द इम्प्योरिटीज ऑफ आवर नॉस्ट्रिल्स वी शुड ट्राई टू स्मेल द रेमिनेंट्स ऑफ फ्लावर्स ऑफर्ड टू कृष्ण इन द टेंपल। तो इतनी महिमा बताई गई है अगरबत्ती के खुशबू को लेने से और भगवान को ऑफर्ड फ्लावर को सूंघने से। तो अब जब आप मंदिर जाएंगे तो जरूर लीजिएगा, सोचिए कितना फायदा है ना, कि कोई मंदिर जा रहा है कुछ पता नहीं, बस जस्ट घूमने जा रहा है, टाइम पास करने भी जा रहा है, उसको पता भी नहीं कि वो मंदिर में जाके उसे क्या मिल गया, उसके कितने पाप कर्म खत्म हो गए, सारे पाप कर्म भी मिट गए। भगवान कितने दयालु हैं ना, और भगवान कितने पावरफुल हैं, इससे पता चलता है कि भगवान इज द सुप्रीम। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ही भगवान को फ्लावर ऑफर करिए, अगरबत्ती दिखाइए और ओके, थैंक यू सो मच। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।